अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है 16.1 एक्सरसाइज का, कहता है सेमी लेवल ऑफ रंबस आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फॉर इट्स पेरिमीटर। अब रंबस देखिए, रंबस क्या होती है? रंबस एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चार साइडों से बनने वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, जिसमें रंबस भी आती है, रेक्टेंगल भी आती है, पैरेललोग्राम भी आती है, स्केल भी आ जाती है, काइट वगैरह भी इसी में आ जाती है। ठीक है जी, तो अगर डायगोनल गिवन है तो अलग फार्मूला है, अगर सेमी डायगोनल गिवन है, सेमी का मतलब हाफ डायगोनल, तो वो फार्मूला चलेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ जो आपको डायगोनल गिवन है उनके स्क्वायर दें और सम करें। यानी हम सीधा इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रंबस इक्वल टू, क्योंकि हमें सेमी डायगोनल गिवन थे तो मैंने बताया था कि सेमी डायगोनल जो गिवन है उनका स्केयर लें और सम करें, दोनों का स्केयर लें और सम करें, स्केयर रूट लें, बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका एक तरीका ये है। सेकंड मेथड उसका एक और भी होता है कि पहले आप इसके सेमी है तो फुल निकालें, यानी अगर 4 है तो फुल होके 8 हो जाएगा, दूसरा 6 है तो फुल होके 6 हो जाएगा, फिर उनके स्केयर लेंगे, स्केयर रूट लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने वो हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो मैं आपको शॉर्ट वे में ला लूं। जब सेमी डायगोनल का जिक्र करेगा, चीज गौर से देखें, सेमी डायगोनल का जिक्र करेगा तो जो सेमी डायगोनल गिवन है फुल निकालने की बजाय दोनों का स्केयर लें, सम करें, स्केयर रूट लें, 4 से मल्टीप्लाई करें। ये 16, 36, इन दोनों को प्लस करें 52 आता है। आप 52 का स्केयर रूट लें तो मेरे पास पॉइंट में आंसर आएगा। मैं पॉइंट से बचता हूं, मैं इसको दो ऐसे टुकड़े करता हूं जिसमें एक का स्केयर रूट आ जाए, दूसरे का बेशक ना आए। इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 13, इसका अलग कर दें, इसका अलग कर दें, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज 4 × 2 = 8, स्क्वायर रूट 13 इसी तरह सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर लगेगा, अगर एरिया निकाला तो उसके लिए स्केयर यूज होता है। आगे देखते हैं, इसमें कहता है पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया गिवन है पहले से, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है मेरा बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट की जगह आप अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। अब जो है पुट कर दें, जो नहीं है वो निकल आएगा। अब देखें एरिया कितना है, 4.2, बेस कितनी थी 2.8, मल्टीप्लाई हाइट आपके पास नहीं है। अब देखिए 2.8 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे जब, तो ये मेरा निकल आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 16.1 क्लोज हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 16.2 देखेंगे।